नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब से ठीक ही 2 दिन पहले सबलपुर के मल्लाह टोली के पास ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया था और ठीक उसके पहले ही मानसलामी थाना क्षेत्र के गारीवान टोला में एक और युवक की हत्या का मामला प्रकाश में आया था। और अब जो है नदी थाना क्षेत्र के सबलपुर में एक फैक्ट्री है जो कि उसमें एक डेड बॉडी मिली है और लोगों का आरोप है कि वह युवक जो है कई 3 दिनों से लापता था और इसी फैक्ट्री में जो है काम करने आता था, लेकिन आज उसकी डेड बॉडी जो है इसी कंपनी के कुएं में बरामद हुई है। लोग जो हैं मोहल्ले के सारे लोग जो है इकट्ठे हो गए हैं और जमकर यहाँ पर हंगामा किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने इस फैक्ट्री में पहुंचकर यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है और कई गाड़ियों में जो है तोड़फोड़ भी किया गया है और साथ ही साथ पुलिस को जो है गुस्से का सामना करना पड़ा है। यहाँ तो देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ जो है काफ़ी इकट्ठा हो गई है। हम बात करेंगे सीधे मृतक के परिजन से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाल बच्चा है, यह घटना कैसे सामने आया, कैसे हुई। मेरे पापा जी ने 3-5 बजे भोर में वो अपने दुचक्का से उठा कर लाए हैं। उसके बाद वो हमको कहें कि सामने आकर कहें कि जो तुम्हारे पापा जी कहाँ है दारू पी के सूत्र, जो वो अभी तक गाड़ी लेके नहीं गए हैं। उसके बाद हम लोग ने खोजने लगे आज सवेरे हम लोग बहुत देर तक खोजे, लेकिन हम लोगों को कोई नहीं बोला। पहले से फोन पर फोन हो रहा सब नहीं बोला सर। फिर आज जब हम लोग सवेरे में खोज के गए तो नहीं मिला, लेकिन शाम में आज देखते हैं तो यहीं पे लाश पड़ा हुआ था। अब पूछा कि यार मालिक से तो बोला है कि में चल गया, बोला उल्टा बोला है। यहाँ गाड़ी चलाते थे, ड्राइवरी करता था। लगता है इनकी हत्या की गई या फिर और कुछ हत्या कर दिया, मर्डर कर दिया। हम लोग भैया हमने के भाई है और परिजन है, हमने के भाई है, उनसे हम बात करते हैं। और एक वो भैया है, लड़का ही है, घटना कैसे छोड़ा फोन करे 3:55 में यदि फोन किया 3:55 में गुडेश फोन किया, गाड़ी जो इसका चालक के ड्राइवर मालिक था ओनर मालिक, वो फोन किया 3:55 में, बोला कि गाड़ी और लेके चलना है। ये लड़का 3:55 में उठ गया बिछौना पर से, लेकिन 4 बजा दिया अपना पत्नी के साथ चाय ताय पिए में मर मैदान होने में। 4:20 में लड़का घर से निकल गया, 4:20 में निकला, निजामपुर से आने में 1 किलोमीटर जितना टाइम लग जाए, एक 2 घंटा आने के बाद ये सब गाड़ी ले लेके चल गया। 3 घंटा बाद सब कुछ है। कब से लापता था युवक? आज 2 दिन हो गया, आज 2 दिन हुआ। इसी फैक्ट्री में काम करता था? नहीं, इसमें गाड़ी चलाता है, गाड़ी चलाता है। कंपनी मालिक के सेल्फ हेल्प ट्रांसपोर्टर से हेल्प लेके गाड़ी लेता है, बात समझे। वो आम आदमी है जो गाड़ी रख ले, वो ड्राइवर था जो ये अभी डायरेक्ट गया, ये ड्राइवर है, वो आम आदमी है जो कि मोटर मालिक है। उसके बाद क्या हुआ सर, क्या पता चला आप लोग को? पता हमारा यही चला कि हम आके पर्दे रुपए पहले पूछे कि भैया ही में आए थे कि नहीं, मेरा भाई लगता है बड़ा है, तो बोला कि आयलू है लेकिन हम न जाना हूँ केकर बारे में। कंपनी गेट से बात गेट से अंदर आए हैं, गेट के अंदर सब आदमी के अलावा नहीं है कि चला। आप लोग क्या पता चला अभी? मैं काम करने वाला नहीं था, बोला नहीं कि परसों से न पाता है आदमी, तो 3 दिन से न पाता है, कोई नहीं बात जान रहा था। क्या पता चला अभी? यहाँ यही पता चला हमको कि एगो आदमी है डाल लगा के देखो, हम नहीं जानते हैं। हमारा कौन बोले गया? क्या है, कौन है? मेरे बड़े भाई है। क्या लगता है हत्या किया गया या फिर और कुछ? मैं हत्या किया हुआ है, कैसे ये बता रहे हैं? ये पड़ पिया था तो अंदिना नहीं मर जाता। तो आप साफ तौर पर सुन सकते थे मृतक के भाई हैं और परिजन हैं, वो इस फैक्ट्री में पहुंचे हुए हैं और इन लोग का साफ आरोप है कि यहाँ पर जो मृतक है उसकी हत्या की गई है और उसे फैक्ट्री के जो ही टंकी है, पानी की टंकी है, उसमें डाल दिया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार में लगातार
अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। नई सरकार का गठन होने के पहले ही बैक टू बैक कई हत्याओं का मामला सामने दिखता नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि इस मामले में जैसे ही लोगों को पता चला कि मृतक निजामपुर का रहने वाला था और जैसे ही पता चला कि उसकी डेड बॉडी इस फैक्ट्री में मिली है, वैसे ही लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। कई गाड़ियों में जो है तोड़फोड़ की गई है और कई गाड़ियों को जो है आग के हवाले कर दिया गया है। लेकिन वही पुलिस जब यहां पर पहुंची तो पुलिस पर भी हमला किया गया स्थानीय लोगों के द्वारा। रजनीश, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना सिटी।